ना इंतजार करो इनका ए आज़ादारो, शहीद जाते हैं जन्नत को, घर नहीं आते। नमस्कार, मैं प्रिया श्रीवास्तव। देश के कंधों पर जब शहीदों के जनाजे होते हैं तो दिल भारी और आंखों में अश्कों के सैलाब होते हैं। धरती माँ अपने सपूतों को जब गोद में उठाती है तो जन्म देने वाली माँ का कलेजा भी फट जाता है। हम और आप केवल शहीदों को याद करते हैं, लेकिन सोचिए उनके बारे में जिनके घर का चिराग शहीद होता है, वो सारी जिंदगी इसे भुला नहीं पाते। ऐसे में सोचिए उन माता पिता का भी क्या हाल होता होगा जिनका एक लौता बेटा देश के लिए शहीद हो जाए। ऐसा ही हुआ शहीद अंशुमन सिंह के माता पिता के साथ। जी हाँ, वही शहीद अंशुमन जो पिछले साल 19 जुलाई 2023 को सियाचिन में अपने साथियों को बचाते बचाते अलविदा कह गए। अभी कुछ दिनों पहले ही देश की राष्ट्रपति ने शहीद अंशुमन सिंह को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया था, जिसे लेने उनकी पत्नी और मां आई थी। लेकिन अब इसी बीच एक ऐसी खबर सामने आई है जो आपके दिल को भी कड़वा कर देगी। दरअसल शहीद की मां का आरोप है कि शहीद अंशुमन सिंह की पत्नी स्मृति अपने पति की फोटो एल्बम, कपड़े और अन्य यादों के साथ सरकार के द्वारा दिए गए कीर्ति चक्र को भी लेकर अपने मायके चली गई है। आरोपों के मुताबिक वो न सिर्फ माता पिता के शहीद बेटे का मेडल लेकर गई हैं, बल्कि उनके दस्तावेज में दर्ज स्थायी पते को भी बदलवा कर अपने घर का करवा लिया है। यानी अब भविष्य में जब भी सरकार की तरफ से कोई भी पत्राचार होगा तो वो स्मृति के पते पर होगा, उनके माता पिता का इससे कोई वास्ता नहीं रहेगा। देखिए ये रिपोर्ट। ना तो बहू मेरे पास है और ना बेटा, और ना कीर्ति चक्र जिसे हाथ में रखकर कम से कम देख सकूं या फोटो खींच सकूं। हमारे यूपी और बिहार की बहुएं ऐसी नहीं होती, वो हमारे साथ रहती हैं। ये कहना है कीर्ति चक्र से सम्मानित शहीद अंशुमन सिंह के माता पिता का। 5 जुलाई को कैप्टन शहीद अंशुमन सिंह को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया था। शहीद अंशुमन की मां और उनकी पत्नी ये सम्मान लेने राष्ट्रपति भवन आई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंशुमन सिंह की पत्नी स्मृति सिंह को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया था। साथ में उनके साथ अंशुमन की मां भी खड़ी थी। वहीं अब अंशुमन सिंह के माता पिता ने बहू पर गंभीर आरोप लगाया है। अंशुमन सिंह की मां मंजू सिंह ने कहा है कि 5 महीने की शादी थी, मेरा बेटा शहीद हो गया और बहू कीर्ति चक्र लेकर मायके चली गई, हमारे पास आखिर क्या बचा। ऐसे बहुत केस आ रहे हैं, बहुएं भाग जा रही हैं, उनके हाथ में सम्मान नहीं देना चाहिए। राहुल जी ने कहा है वो राजनाथ जी से बात करेंगे। वहीं कैप्टन अंशुमन सिंह के पिता रवि प्रताप सिंह ने भी कहा कि बहू कीर्ति चक्र ले गई है, यहाँ बस बेटे की तस्वीर बची है। कैप्टन अंशुमन सिंह के माता पिता का कहना है कि सरकार एक बार एनओके के मुद्दे पर विचार करे, क्योंकि बहुएं चली जाती हैं सब कुछ लेकर, ऐसा बहुत जगहों पर हुआ है। बताया जा रहा है कि शहीद अंशुमन सिंह की पत्नी स्मृति अपने पति की फोटो एल्बम, कपड़े और अन्य यादों के साथ सरकार के द्वारा दिए गए कीर्ति चक्र को लेकर अपने गुरदासपुर घर चली गई हैं। आरोपों के अनुसार वो न सिर्फ माता पिता के शहीद बेटे का मेडल लेकर गई हैं, बल्कि उसके दस्तावेज में दर्ज स्थायी पते को भी बदलवा कर अपने घर यानी की गुरदासपुर का करवा लिया है। बता दें कि अंशुमन सिंह जुलाई में सियाचिन में अग्निकांड में शहीद हो गए थे। शहीद की विधवा के तौर पर सारे आर्थिक लाभ और अन्य सुविधाएं स्मृति सिंह को ही मिल रही हैं। मंजू सिंह का कहना है कि वो बेसहारा हैं, उनका भी बेटे पर हक बनता था, लेकिन भारतीय सेना की मौजूदा नियमों के चलते उन्हें कोई लाभ नहीं मिला। नेक्स्ट ऑफ किन रूल्स में बदलाव की मांग भी उन्होंने उठाई है। परिवार का दावा है कि उनके पास बेटे की महज एक तस्वीर है जो दीवार पर दिन रात देखकर वो बस रोते बिलखते रहते हैं। देखा जाए तो देश के लिए सेना के किसी जवान का शहीद होना गर्व की बात हो सकती है, लेकिन जब कोई परिवार अपने किसी बेटे को खोता है तो वो कलेजा चीर देने वाला वाक्या होता है। लेकिन जब कोई अपना ही उस जख्म को कुरेद देता है तो माँ बाप पर क्या बीती है ये कोई महसूस नहीं कर सकता। देवरिया के शहीद अंशुमन सिंह का परिवार इन दिनों ऐसे ही हालातों से गुजर रहा है। हम ये नहीं कहते कि शहीद अंशुमन सिंह की पत्नी को जिंदगी में आगे बढ़ने का अधिकार नहीं है, मगर शहीद अंशुमन सिंह के माता पिता को कम से कम उनकी यादों का सहारा जरूर मिलना चाहिए।
स्मृति सिंह कल को जिंदगी में आगे बढ़ जाएंगी, लेकिन शहीद अंशुमन सिंह के माता पिता की जिंदगी वहीं ठहर गई है। ऐसे में जरूरी है कि सरकार उनकी सुध ले। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।